सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड दिस इज़ माय मोस्ट अवेटिंग द फेयरवेल ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में हम देखने जा रहे हैं हमारी फेयरवेल। आज है हमारी फेयरवेल, तो हम अभी थोड़ी देर बाद में रेडी होते हैं फेयरवेल के लिए और वहाँ पे जो भी इवेंट होंगे वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। गाइस, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ अभी। तो गाइस, ये है कुछ व्यू। ये हमारा कोट, अंदर मैंने टी शर्ट डाली हुई है वाइट, और ये पैंट और नॉर्मल शूज़ हैं मेरे पास। तो चलिए अभी चलते हैं, मेरे एक फ्रेंड को पिकअप करने जाना है और उसके बाद मैं मिलते हैं आपसे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे स्कूल में, ये हैं हमारे फ्रेंड्स और अभी और फ्रेंड्स आने बाकी हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में, फुल मौज करेंगे आज। तो ये हैं हमारे स्कूल के कुछ हालात। अभी हमारा स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आपको थोड़ा कंस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। ये है हमारी फिजिक्स लैब, ये है केमिस्ट्री लैब और अभी हम जा रहे हैं छत की ओर। ऊपर से व्यू दिखाते हैं आपको। हेलो सर, यस दिस इज द व्लॉग। यो गाइस, गाइस प्लीज हेलो कर दीजिए व्लॉग में एक बार। हमारा वॉर्म वेलकम होता हुआ क्लास 11th द्वारा। सो गाइस, सब लोगों की ग्रैंड एंट्री होने के बाद में फाइनली जो सेलिब्रेशन है वो होता है स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें किया जाता है स्टेज पर इनवाइट और हमें दिए जाते हैं गिफ्ट्स और हमारा किया जाता है वार्म वेलकम। सो सबसे पहले मुझे गिफ्ट दिया जाता है, उसके बाद में मेरे सभी फ्रेंड्स को भी गिफ्ट दिया जाता है और उनका भी वार्म वेलकम किया जाता है। उसके बाद में सभी लोग अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं इस पर। तो गाइस, इस सब के बाद में था टाइम हम फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस का। तो गाइस, बहुत ही शानदार डांस परफॉर्मेंस के बाद में टाइम था फर्स्ट गेम कंपटीशन का।
चुपी वाला ठुमका जाओ। दिल दिल से टक्कर था और मैं खोया कि तू खो गया। Thank you.
खाब देखे छोटे मोटे पत्तियां बनाए कैसे सजना अनाड़ी बेईमान
गाइस इस सब के बाद में हमारी की जाती है थोड़ी सी तारीफ। इतने साल से मैं स्कूल में मैंने कभी डांटने का मौका नहीं मिला, ये है ठीक है, इसके लिए जोर जाता है। पढ़ाई में भी नंबर वन, डांस में भी नंबर वन है, पता है बहुत सा डांसर है, पता है एक डांस में ठीक है, अभी कितने लोग जोर जाता है यार। सबसे अच्छी बात है कि मैंने इस बच्चे कभी, हम खुद कभी डांट खाते या पिटते मैंने कभी देखा उसको, ऑलवेज यस सर यस सर यस सर, ऐसे बच्चे हमारे हैं, इनके लिए जोर जाता है, म्यूजिक लगा दो इनके लिए। झटका जरा सा महसूस हुआ है, लाइट की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख, यही उम्र अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के दे। आपने कॉमर्स क्यों लिया, साइंस क्यों नहीं, भाई ने बोला था, नाम बताइए। भूपेंद्र जोशी। अरे भाई का नाम बताइए। इंग्लिश तो आपने कुछ बोला नहीं। अरे इंग्लिश भाई क्या नहीं बोल सकता है क्या? पहले यहाँ आने में रोना आता था, आज यहाँ से दूर जाने का गम है। सुनो इसे कुछ और मत बुलाओ, ये तो मेरा दूसरा घर है।
कितनी भी सीट्स खाली हो, पर पीछे बैठने में तो अलग ही स्वैग था। और फिर मिल जाता हमको वो बैकवेंचर वाला टैग था। हमेशा गुड मॉर्निंग मैम अलग ही सुर में गाते। मैम को लगता हमें एक बार में समझ नहीं आता, लेकिन अगर रोज ऐसा नहीं करते तो उनके फेस पर वो स्माइल कैसे देख पाते। टीचर के साथ भी अलग ही रिलेशन था, कभी गुड़गुड़ाते तो कभी खूब डांट खाते। आज तो इतना सही दिन है, सब एक साथ है और अंदर से एक अलग ही फील है, पर कल शायद सब अलग हो जाएंगे। लेकिन फिर भी दिनों बाद इन बातों को याद कर खुश कर। सो गाइस इस सब के बाद में होता है फोटोशूट और उसके बाद में होता है द रियल डांस। अरे बहुत अच्छी पार्टी हो रही है, यू शुड ऑल्सो जॉइन अस। One hour later. तो प्रभांशु कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा रहा, सबने अच्छा किया। फुल मौज, फुल डांस, फुल डांस किया। बस यही है कि पेपर है हमारा 4 तारीख को फिजिक्स का, उसकी थोड़ी सी टेंशन हो गई हो। फेयरवेल एक्सपीरियंस गाइस। भाई बहुत ही बढ़िया था। ये लंबा लंबा भाई वाला गाना बजाना था भाई। A few moments later. So guys, ढेर सारा फन करने के बाद में और इतना सारा डांस करने के बाद में हम आ जाते हैं खाना खाने, और फिर हम खाते हैं खाना। और खाना कैसा बना था इसके लिए हम बन जाते हैं फूड ब्लॉगर और लेते हैं हमारे एक फ्रेंड से रिव्यू। आप देख ही सकते हैं, बताइए। पेट भर चुका है, यहाँ तक खा लिया और पनीर की सब्जी तो। One hour later. गाइस फेयरवेल तो एंड हो चुकी है, हमें स्कूल से कुछ गिफ्ट्स मिले थे तो अभी चलिए इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये ग्रुप फोटो का फ्रेम लाए हैं। तो गाइस ये गिफ्ट पे मिला था मुझे, हमारी फेयरवेल का डांस कॉम्पिटिशन हुए थे, आपने वीडियो में देख लिया होगा, तो उसके बिना के रूप में मुझे ये गिफ्ट मिला था। तो इसके अंदर ये चॉकलेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज की, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज की चॉकलेट्स हैं इसके अंदर।
आई होप गाइज आप लोगों को मेरा ब्लॉग और डांस वगैरह सब कुछ अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले धमाकेदार ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय गाइज़।